और बच्चे लोग, कल हम लोग ने जो भी देखा था वीडियो में, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग का रह गया था एनसीईआरटी का डिस्कशन है, बाकी सब हम लोग ने प्रॉपरली स्विफ्टली एनसीईआरटी में वर्ड टू वर्ड देख लिया था, बस उसको एनसीईआरटी के साथ रीचेक करना रह गया था हमारा, ठीक है। एनसीईआरटी आप वर्ड टू वर्ड देख लेंगे, आप क्रॉस चेक कर लो कि आपके हर पॉइंट कवर हो रहे हैं ना, तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, एटलीस्ट बायो में। बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा बाहर से पूछ लेते, बट एनसीईआरटी के बाहर एक वर्ड भी नहीं पूछते बायो में, ठीक। एनसीईआरटी इज द देवता है। तो आपको पहले हम एनसीईआरटी डिस्कस करवा देते कल के लेक्चर का, ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी जितना हुआ है उतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। एकदम थोड़ा सा हुआ था उद्दीन, उतना ही करेंगे। देखिए क्या लिखा है, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर, ठीक है। ह्यूमन सेल कितने कितने देर में डिवाइड करती, एक सेल का साइकिल कितने देर में करती, 24 आवर्स में। देखिए लिखा है, कर हम लोग ने कवर किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism. जो cell cycle का जो duration है, जो timing है cell cycle का, मैंने कल timing लिख के दिया था आपको, timing है, वो vary करता है। हर organism के लिए cell cycle का जो timing है वो अलग होता है, ठीक है। It varies from organism to organism and also from cell type to cell type. तो जो cell cycle का जो duration है, किस पे depend करता है, first organism पे और सेकेंड सेल टाइप पे, दोनों भी हम लोग ने लिखा था, ठीक है। फिर सेल साइकिल के जो टाइमिंग्स है, ईस्ट से सेल के लिए कितना है, 90 मिनट्स, और ह्यूमन सेल के लिए 24 मिनट्स, हम लोग ने करा दिया। सारे वर्ड टू वर्ड कवर हो गया हमारा, सब कुछ डन। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू, ये हम लोग ने किया, देखो सेल साइकिल को हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, किसमें, इंटरफेज में और एम फेज में। एम फेज का फुल फॉर्म माइटोटिस फेज लिख लिया, ठीक है, माइटोसिस फेज, ठीक है। द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स, ठीक है। एम फेज में एक्चुअल डिवीजन होता है, ठीक है। एक्चुअल डिवीजन कब होता है, एम फेज में, बट तैयारी कब होती है, बिल्डिंग बनता है एम फेज में, बट बिल्डिंग बनाने के लिए ईटा सीमेंट का भी मंगाते हैं हम लोग इंटरफेज में, ठीक है। इंटरफेज में प्रिपरेशन करते हैं, इसके लिए इंटरफेज को और क्या बोला जाता है, प्रिपरेटरी फेज। इंटरफेस में प्रिपरेशन होता है, इसलिए प्रिपरेटरी फेज। और इंटरफेस को हम लोग जब भी माइक्रोस्कोप में दिखते हैं तो कुछ चेंज दिखता है कि उसके अंदर कुछ हलचल दिखती है, नहीं दिखती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज। समझ में आ रहा है आपको। इंटरफेस रिप्रेजेंट्स, ये लाइन भी मैंने फोकस करा था, इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ह्यूमन सेल, डिविजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर। माइटोसिस का टाइमिंग कितना होता है ह्यूमन सेल में, एम फेज का टाइमिंग 1 आवर, ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 1 आवर। द इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। इतना समझा आपको, हाँ। यहाँ पे हम लोग ने लिखा ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख दो, ह्यूमन सेल का कितना टाइमिंग है 1 आवर, किसका, एम फेज का, लास्ट लेक्चर का जो था। अभी द एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन, ये सब अभी हम लोग कराने वाले, ठीक है, थीके? बाकी का जो है अभी हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। हाँ, तो हमारा आज है लेक्चर 2 ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, इट इज सक्सेसिव ग्रोथ, ग्रोथ के बाद डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन का एक कोऑर्डिनेटेड पैटर्न है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल, ठीक है। तो सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, हम लोग ने पढ़ा अब तक, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज क्या होता है, जब प्रिपरेशन होता है, एम फेज क्या होता है, जब एक्चुअल डिवीजन होता है। इंटरफेज में हम लोग को न्यूक्लियस के अंदर या सेल के अंदर हम लोग जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कोई हलचल नहीं दिखती, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इतनी चीजें कवर्ड है। एम फेज 1% ऑफ द टाइम्स, 1% ऑफ द ड्यूरेशन कवर करता है, 5% ऑफ द ड्यूरेशन, बाकी 95% ऑफ द ड्यूरेशन कौन कवर करता है, इंटरफेस, ठीक है। इधर है ना, अब हम लोग तैयारी भी तो स्टेप्स में करते हैं, एक बिल्डिंग बना रहे तो तैयारी भी तो स्टेप्स में करते हैं। पहले एक इंजीनियर ढूंढा, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढा, उन लोग से हम लोग ने मतलब सुझाव लिया कि क्या करना है, कैसे करना है। उन लोग ने एक माइंड मैप बनाया कि कैसे घर बनाएंगे,
एक हम लोग ने आउट ये बना लिया, क्या बोलते हैं, रफ डायग्राम बना लिया, ठीक है। पहले हम लोग ने ढूंढा किसी को, फिर उन्होंने डायग्राम बना लिया, फिर कितना सामान लगेगा वो उन्होंने हम लोग का अप्रॉक्स बताया, फिर हम लोग ने सामान मंगाया उतना, समझ में, उसके बाद लेबर मंगाया, स्टेप्स है राइट। एक ही बार सब कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, स्टेप वाइज हो रहा है। वैसे प्रिपरेशन जब सेल करता है डिवीजन के लिए वो भी एक स्टेप में होता है, एक पैटर्न में होता है, ऐसे रैंडमली नहीं होता, ठीक है। तो इंटरफेस सबसे पहली बात तो हाँ 95% ड्यूरेशन कवर करता है, ठीक है। तो 95% जो ड्यूरेशन होता है इसमें ना तीन फेजेस होते हैं, ठीक है। इंटरफेस तीन फेज में होता है, सबसे पहला जो फेज होता है वो होता है कुछ, एक सेकेंड फेज और एक थर्ड फेज, ऐसे तीन फेज में हमारा इंटरफेस प्रोग्रेस करता है। पहला होता है जी वन फेज, होता है सेकेंड एस फेज, और थर्ड होता है हमारा G2 फेज, समझ रहे आपको। तो जी सबसे पहले जब सेल ने डिवीजन चालू किया, इंटरफेज हुआ, इंटरफेज में सबसे पहला कौन सा हुआ, जी वन फेज खत्म होने के बाद एस फेज, एस फेज होने के बाद G2 फेज। तो नाम में ही अर्थ है, नाम में ही अर्थ है, जी मतलब जी फॉर ग्रोथ होता है, जी फॉर ग्रोथ। तो जो पहला ग्रोथ फेज होता है उसको बोलते हैं जी वन फेज, फिर उसके बाद एस फेज, फिर सेकेंड जो ग्रोथ फेज हो गया उसको जी टू फेज बोल दिया, ठीक है। तो हमारा जो ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, मैंने आपको बोला था सेल साइकिल जब होती है उसमें प्रिपरेशन में सबसे पहले ग्रोथ होता है, तो ग्रोथ होता है जीवन फेज में। जीवन फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ होता है और इस टाइम में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। कोई भी अपनी बॉडी को भी ग्रो करने के लिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड चाहिए, है ना, मालूम है आपको, मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, आप लोग ठूसते जाते ठूसते जाते तभी बॉडी ग्रो होता है, राइट। वैसे इस सेल को ग्रो होने के लिए प्रोटीन बनाना पड़ेगा, सेल तभी ग्रो होगा जब वो अपने अंदर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो जीवन फेज में अगर वो ग्रो हो रहा है तो ग्रो क्या बना के हो रहा है, तो ग्रोथ तो हो रही पर वो ग्रोथ क्या चीज की वजह से हो रही, प्रोटीन बनाने की वजह से। तो जीवन फेज में बन रहा प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्म्ड, और प्रोटीन बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, मैं आपको 12th के लेक्चर्स में बताऊंगा। प्रोटीन बनाने के लिए हमको चाहिए होता है एक और चीज, प्रोटीन बनाने से पहले एक चीज बनता है mRNA, और ये mRNA ही बनाता है प्रोटीन को, ठीक है। तो mRNA भी फॉर्म होता है इसी स्टेज में, समझ रहे आपको, ये हो गया फड़फड़ करके ग्रोथ हो गया, है ग्रोथ हो गया। अभी नेक्स्ट इसके बाद कौन सा फेज आता है, एस फेज, एस मतलब S for, इसमें भी नाम में अर्थ है, S for synthetic phase, synthetic phase, synthetic मतलब किसी चीज की synthesis हो रही है। तो exactly वो क्या चीज है, तो मैंने आपको बोला था growth के बाद होता है DNA replication, तो इस phase में ना हमारा DNA क्या हो रहा है, replicate हो रहा है, double हो रहा है, ठीक है। तो synthesis हो रहा है, क्या चीज का, DNA synthesis हो रहा है, DNA synthesis, ठीक है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा। एक चीज आपको जानने में बहुत मजा आएगा, ठीक है, मैं आपको बताता हूं। हमारा जो सेल होता है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, हैं? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, वो डीएनए होता है हमारे बॉडी के अंदर कितने डीएनए प्रेजेंट होता है एज क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल। तो हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, इफ यू नो, ह्यूमन बॉडी में होते, बिल्कुल सही, कितने, 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारा जब सेल एस फेज में होता है, एस फेज से पहले जो सेल था उसके अंदर भी न्यूक्लियस था, उसके अंदर भी क्रोमोसोम थे, हैं? बट यहां पे जो एक क्रोमोसोम था वो ऐसा था, एक क्रोमोसोम कैसा था, ऐसा था, ये एक क्रोमोसोम है। ऐसे कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे। बट जब जीवन फेज से गया एस फेज में, अब ये डीएनए का सिंथेसिस होगा, डबल होगा ये डीएनए, तो ठीक है। तो अभी जो हमारे पास डीएनए रहेगा वो ऐसे था, समझ में आ रहा है आपको, ये बहुत बड़े स्ट्रैंड्स। तो क्रोमोसोम एक ही है, इस पे स्ट्रैंड डबल हो गए, पहले ऐसा था, हैं,
जीवन फेज में ऐसा था एकदम एक ही सिंगल स्ट्रैंड, बट ये स्ट्रैंड को देख के एक और स्टैंड बन गई, ये स्टैंड है हमारा, इस स्टैंड को देख के कॉपी करके एक और स्टैंड बन गई, सेम एग्जैक्टली सेम, ऐसे बन गए दो स्टैंड, ये बना। तो एक स्टैंड डीएनए की थी, उसको कॉपी करके दूसरा स्टैंड बना, यहां पे डीएनए सिंथेसिस हुआ, कौन से फेज में, S1 फेज में, ठीक है। तो ऐसे ये है तो एक ही क्रोमोसोम ना, अभी भी है एक ही, ये 46 क्रोमोसोम थे, अभी भी 40 है, इनका अमाउंट बस डबल हो गया, समझ में आ रहा है। इसके अंदर पहले अगर इस स्टैंड में हमारे एग्जांपल के लिए ले लो, ठीक है, एग्जांपल के लिए इसके अंदर 100 बेस पेयर थे, इस वाले स्टैंड में 100 बेस पेयर थे, तो इसी स्टैंड को देख के और 100 बेस पेयर आ गए, बट वो किसी दूसरे क्रोमोसोम में आएगा नहीं, सेमी क्रोमोसोम में। तो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये जो डीएनए सिंथेसिस होगी यहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, कांस्टेंट, बट अमाउंट अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल। पहले अगर 46 क्रोमोसोम थे तो अभी भी कितने, 46 क्रोमोसोम, बट पहले एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, इतना बड़ा न्यूक्लियस किसी का होता नहीं, पहले डीएनए अगर सपोज हम लोग ने 0.2 ml था तो भी कितना हो जाएगा, 0.4 ml, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, 0.2 ml बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, हैं? आपको समझ में आया इसलिए ले रहा हूं, 0.2 था तो 0.4, अमाउंट डबल हुआ है बट क्रोमोसोम नंबर उतने ही रहेंगे, ठीक है। अब क्रोमोसोम नंबर डबल कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, आगे के लेक्चर जब देखेंगे ना तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा लिंक क्या है, कैसे बैठ रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल उसके अंदर 2C था अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, अमाउंट है नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं, अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 2C है अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, तो सेम सेल में, सेम सेल में एस फेज में कितना अमाउंट रहेगा, कितना अमाउंट, कितना अमाउंट, तो आप क्या लिखोगे, कितना अमाउंट, नॉर्मल सेल था जो डिवाइड नहीं हो रहा है उसके अंदर अगर 0.2 ml था डीएनए तो एस फेज के वक्त 0.4 ml हो जाएगा, समझ में आ रहा है आपको। तो इधर आंसर क्या होगा, 2 × 2C दैट मेक्स इट 4C, समझ में आ रहा है आपको आंसर, समझ में आ रहा है। अभी यही सेल एस फेज खत्म होने का गई G2 फेज में, G2 फेज में भी सेम चीज होता है, G फॉर ग्रोथ, यहां पे होता है ग्रोथ, ग्रोथ कराने करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है, और नेक्स्ट क्या चीज, प्रोटीन फॉर्म करता है, प्रोटीन फॉर्म, और प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए अपने को एमआरएनए, तो एमआरएनए भी फॉर्म होता है, ठीक है। एक चीज आपकी एनसीईआरटी, ये सब चीज होता है बट आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया है, जीवन फेज में सिर्फ ग्रोथ होता है, ऐसा दिया है एनसीईआरटी में, सिर्फ ग्रोथ के बारे में बताया गया है आपकी, ठीक है, और G2 फेज में आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ प्रोटीन के बारे में बताया गया, सॉरी जीवन फेज में ग्रोथ प्लस मेटाबॉलिकली एक्टिव बताया गया है, और यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन, G2 फेज में सिर्फ प्रोटीन फॉर्म होता है ऐसा कब बताया गया, ठीक है। तो आपको अगर नीट में क्वेश्चन आता है तो आपको करेक्ट आंसर मालूम होते हुए भी, ठीक है, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से करना है, ठीक है, आपको करेक्ट आंसर मालूम है कि G1 फेज में भी होता है प्रोटीन सिंथेसिस, G2 में भी होता है, बट एनसीईआरटी में सिर्फ G2 फेज में दिया है प्रोटीन सिंथेसिस, तो मैं सिर्फ G2 लिखूंगा या लिखूंगी, समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी भले गलत हो, एनसीईआरटी में कोई पॉइंट गलत लिखा हो, बट आपके लिए रोल मॉडल अभी एनसीईआरटी है, आंसर आपकी एनटीए जो एग्जाम लेती है, ठीक है, हाँ, वो एनसीईआरटी देख के आपको करेक्ट आंसर देगी, आप भले राइट लिखा रहो रॉन्ग लिखा हो, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, इतनी चीज हो गई। एक समझने की बात यहाँ पे कि जो हम लोग को डीएनए को पकड़ के रखने वाला एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हिस्टोन, ठीक है, तो डीएनए इस फेज में डबल हो रहा है क्या, नहीं, इस फेज में डबल हो रहा है, हाँ, इस फेज में
डबल रह रहा है, तो इस फेज में डबल हो रहा है, तो हिस्टोन को हम लोग पहले से बना के रख के क्यों टाइम पास करेंगे, करने का टाइम पास नहीं। तो हम लोग डीएनए को जिस फेज में डबल कर रहे हैं उसी फेज में हम लोग प्रोटीन भी साथ में बनाएंगे। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन फॉर्म्ड। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? हिस्टोन भी मतलब हिस्टोन एक इकलौता प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन है जो ना जी1 फेज में बन रहा है ना जी2 फेज में बन रहा है, वो बन रहा है एस फेज में। और एस फेज में हिस्टोन के अलावा कोई प्रोटीन कभी बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। समझ में आ रहा है? ये माइन्यूट डिटेल जो है ना आपको याद रहेंगी तभी आपका एग्जाम निकलेगा एकदम इजीली। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। आपको पूछ सकते हैं नॉर्मल सेल में अगर 2C है अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, तो सेम सेल में G2 फेज में देख रिप्लेस S बाय G2 फेज, तो आंसर क्या होगा इसी क्वेश्चन का? तो G2 फेज में अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम कितना होना चाहिए? तो अगर इसमें क्रोमोसोम का अमाउंट डबल हो गया था तो सेम ही सेल तो इधर से इधर जा रहा ना, है? तो क्रोमोसोम का उतना ही अमाउंट इधर से इधर पास होगा ना। अभी हाफ हुआ है क्या बीच में कहीं पे भी? नहीं। तो अगर यहाँ पे 4C हो गया क्रोमोसोम का अमाउंट, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? 4C। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के, बट होता सब एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग लेंगे, ये हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा, पहले एम फेज का हम लोग ओवरव्यू देख लेते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लीजिए क्योंकि वो इरेज करने वाला हूं मैं। ये रुको, देखो मैजिक है तुम लोग के लिए क्या क्या करना पड़ता है बच्चा। अभी नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है एम फेज के बारे में। किसके बारे में? एम फेज। तो एम फेज के बारे में सबसे पहले क्या लिखोगे कि 5% ही ड्यूरेशन ऑक्यूपाई करता है, बाकी का ड्यूरेशन किसने ऑक्यूपाई किया? हमारे इंटरफेज ने। 5% किसने ऑक्यूपाई किया? हमारे एम फेज ने। तो एम फेज ने 5% तो ऑक्यूपाई किया, बट यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस में काम हो रहा होगा, है? हम लोग घर बनाने लग रहे हैं तो उसमें भी एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं ना। मेन जो घर बनाने का काम है वो भी सीक्वेंस में चल रहा है। प्रिपरेशन का काम तो सीक्वेंस में ही है, मेन घर बनाने का भी काम सीक्वेंस में। पहले फाउंडेशन डालते हैं, फिर पिलर्स लगाते हैं, पिलर्स के ऊपर छत डालते हैं, फिर दीवार बनाते हैं, ऐसे चलता है राइट काम, एक सीक्वेंस में काम चलता है। तो वैसे ही जो एक्चुअल डिवीजन ये भी एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पहले, ये करने से पहले एक हम लोग चीज देख लेते हैं। ठीक है, ये है सबसे पहले तो ये आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल डिवीजन वाला फेज है। ठीक है, अभी हम लोग जो देखने वाले वो है सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन बहुत अलग चीज है। ठीक है, सेल साइकिल मतलब हम लोग ग्रोथ भी लेंगे, उसके अंदर डीएनए सिंथेसिस भी लेंगे, और सेल का डिवीजन जो एक्चुअली जहां पे हो रहा है वो भी लेंगे, बट सेल डिवीजन सिर्फ जो डिवीजन वाला फेज है उसको कंसिडर करता है। ठीक है, तो ये जो डिवीजन वाला फेज है सेल डिवीजन कब, ये कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, आप कभी किसी को नहीं सुनोगे बोलते हो कि सेल साइकिल दो टाइप के होते हैं। हर बार एक बात बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, कोई भी बोल रहा रहता है तो यही बोलता है कि सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। सेल साइकिल को भी बोलता है क्या दो टाइप के होते हैं? नहीं राइट, सेल डिवीजन जो है प्रॉपर वो दो टाइप का होता है। तो कोई भी सेल डिवाइड कर रहा होगा, चाहे माइटोसिस है चाहे मियोसिस, तो जो प्रिपरेशन वाला फेज है वो सबका सेम रहने वाला है, बट जो सेल डिवीजन वाला पार्ट है ना वो दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, वो अलग हो सकता है। समझ में आया? आपके सेक्स सेल्स हो या नॉर्मल सेल्स हो, उसमें जब डिवीजन हो रहा होगा तो सबके अंदर जो प्रिपरेशन वाला फेज है वो सेम तरीके से होगा, बस जो एक्चुअल डिवीजन वाला फेज है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो जो माइटोसिस है ये हमारा होता है किसमें? नॉर्मल सेल्स में, नॉर्मल सेल्स में। ठीक है, और ये होता है हमारे मियोसिस सेक्स सेल्स में, सेक्स सेल्स जो बाद में जाके गैमेट बनाने वाले। ठीक है, जो सेल्स गैमेट बनाने वाले वो सेल्स में होता है मियोसिस,
और जो सेल्स डिवाइड करके बस मल्टीप्लाई करने वाले और नॉर्मल सेल्स बनाने वाले वो सेल्स होता है, वो सेल्स में होता है माइटोसिस, समझा? ये सेल डिवाइड करके फिर से नॉर्मल सेल बनाएंगे। इसमें क्या होता है, ये जब माइटोसिस होता है ना जब, तो अगर मदर सेल में क्रोमोसोम नंबर था 2N, ये हो गया मदर, तो मदर से जितने भी डॉटर बनेंगे कितने, उसके अंदर भी कितना रहेगा 2N क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर अगर 2N रहेगा, सपोज 46 है इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर, तो डिवीजन के बाद जो डॉटर बनेगी उसके अंदर भी कितना क्रोमोसोम नंबर रहेगा, 46। ये समझे आपको? तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। क्रोमोसोम नंबर अमाउंट नहीं है, नंबर, नंबर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। बट इसमें अगर हमारे क्रोमोसोम नंबर 46 है, 2N है, तो इसके डॉटर में होगा N, इसका हाफ हो जाएगा, 46 का हो जाएगा 23। आपको समझ रहा है? तो इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है CN, क्रोमोसोम नंबर, वो क्या हो जाता है, रेड्यूस्ड टू हाफ। इसके क्या हो जाता है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हाफ हो गया पूरा है। उसको चाहिए था फूल, बट उसको हाफ मिला सिर्फ है। एक और चीज, यहाँ पे जो मदर सेल होती है वो मदर सेल डिवाइड करके सिर्फ दो ही सेल बनाती है, कितने, टू डॉटर फॉर्म। और यहाँ पे जो एक मदर सेल है, एक सेल जब भी डिवाइड करी, एक सेल ने जब मियोसिस अंडरगो करा, एक सेल जब मियोसिस अंडरगो करी, तो उसमें से कितने डॉटर सेल बने, फोर डॉटर्स फॉर्म। ठीक है, फोर डॉटर फॉर्म, इतना आपको समझा है? इसमें टू डॉटर, इसमें फोर डॉटर। तो जो हमारा मियोसिस है, ये हमारे टेस्टिस में होता है, ओवरी में होता है, जहां पर भी सेक्स सेल्स बनने वाले, गैमेट्स बनने वाले, वहां पे होता है। ठीक है, पर जो माइटोसिस है वो बाकी के बॉडी में, जो हमारे सेल्स का नंबर बढ़ रहे हो, किसकी वजह से बढ़ रहे हैं, माइटोसिस की वजह से। ठीक है, हाँ, आप जब भी जायगोट थे, जायगोट से आप एक बड़ा इंडिविजुअल बने, बड़ा इंडिविजुअल बने, तो आपके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया, क्या नहीं, आपका पहले सेल के अंदर 46 था, आपके बड़े होने के बाद भी आपके बॉडी के हर सेल में कितने 46 क्रोमोसोम नंबर है। तो यहाँ पे जो डिवीजन ने काम कर रहा वो कौन सा डिवीजन था, माइटोसिस, बट आपके जो गोनाइड्स है उसमें जो डिवीजन काम कर रहा है वो है मियोसिस। समझ में आ रहा? आपके स्पर्म सेल, ओवरी सेल, ये सब के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 23, ना कि 23 पेयर, 23 क्रोमोसोम से, एकदम ध्यान से देखने की बात है। ठीक है, एक चीज और आपको बताना था, हाँ, हमारा जो सेल होता है, सेल जब भी डिवाइड कर रहा होता, एक्चुअली ऐसे बताता हूँ, ठीक है, हमारे बॉडी में तीन टाइप के सेल्स होते हैं, कितने टाइप के, तीन सेल्स, तीन टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक टाइप का सेल होता है जो डिवाइड करता है, डिवाइड कर रहा है, हाँ, जो कंटिन्यूसली डिवाइड, कॉन्स्टेंट डिवाइड, कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहा है, अभी एक से दो बना, दो से चार, कंटिन्यूसली चालू है डिवीजन, है एकदम रुक ही नहीं रहा, ताबड़ तोड़ डिवीजन चालू है, चालू है। ये होते हैं ऐसे एक टाइप के सेल्स। ठीक है, बॉडी में दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं जो सिर्फ डिवाइड करते हैं, डिवाइड टू रिप्लेस डेड सेल्स। ठीक है, डेड सेल्स, कुछ सेल्स होते हैं जो सिर्फ डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए डिवाइड, सपोज आपकी आधी लीवर ले ली, तो लीवर के अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी, तो बाकी का उसको दिखेगा कि लीवर छोटा हो गया, तो अभी उसको डिवाइड करके, लीवर के जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करके उसको पूरा फुल कर देंगे। ठीक है, तो कुछ सेल्स होते हैं जो देखते हैं कुछ मर गए या कुछ कम पड़ गए, तो और सेल्स बना के मैं भर दूं, तो कुछ ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं, कुछ होते जो कंटिन्यूस डिवाइड कर रहे हैं, कुछ होते जो सिर्फ रिप्लेस करने के लिए डिवाइड करते हैं, और कुछ जो नेवर डिवाइड। आपका नर्व सेल, ठीक है, आपके न्यूरॉन्स है, नर्व सेल्स है, ये सब बॉडी में एक बार जब एम्ब्रियो में आप थे, बन गया, सो बन गया, फिर पैरालिसिस हो जाए, आपको एक दो सेल डेड हो जाए, तो भी वो वापिस से डिवाइड होकर नए नहीं बनने वाले। ठीक है, जितने हैं उतने ही रहेंगे। आपके हार्ट के सेल्स है, ठीक है, हार्ट के सेल्स में कुछ सेल्स इन्फ्रैक्शन की वजह से डेड हो जाए,
आपके हार्ट को ब्लड ब्लड नहीं पहुंचे, ठीक है, कुछ सेल्स को ब्लड ना पहुंचे, आपके सेल्स मर जाएंगे हार्ट के, आपके हार्ट के सेल्स मर जाएंगे, पर वो वापिस से उसको रिप्लेस करने के लिए डिवाइड नहीं करेंगे, जो मर गए सेल्स वो मर गए, उनका कहानी खत्म, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे कुछ सेल्स होते हैं जो नेवर डिवाइड, लाइक हार्ट सेल, आपकी एनसीईआरटी में दिया है हार्ट सेल, नर्व सेल, ठीक है, और कुछ सेल्स होते हैं जो कभी कभी डिवीजन करते, देख के कितनी जरूरत है उसी हिसाब से। ये जो सेल्स है ये सब डिवीजन को छोड़ चुके, संन्यास ले चुके हैं, ये गृहस्थ अस्त्र में तभी आएगा जब जरूरत पड़ेगी, दुनिया खत्म हो रही तभी, और ये इसने तो दुनिया भी खत्म हो जाने दो तो भी मैं तो नहीं उठूंगी, ऐसा हो गया इसका, ठीक है। तो ये जो दो टाइप के सेल्स होते हैं जिन्हें डिवाइड करने का कि नहीं आप मुझसे नहीं होने वाला, तो ये जो दो सेल्स हैं ये दोनों सेल साइकिल छोड़ देते हैं, सेल साइकिल छोड़ के किस में चले जाते हैं, एक फेज होता है जी नॉट फेज, क्विसेंट फेज, क्विसेंट फेज करके उसमें एंटर हो जाते हैं और वापिस आते हैं डिवीजन में जब भी जरूरत होती है, या तो कभी डिवीजन में आते भी नहीं है, हैं? समझ में आ रहा है आपको, या आपके एनसीईआरटी में लाइन दी। तो आपको एक चीज मैं बताऊंगा, ये हमारा था, ये देखो यहां से सेल डिवाइड करना चालू किया, यहाँ पे इंटरफेस का पहले G1 फेज कंप्लीट किया इसने, फिर S फेज कंप्लीट किया, दिख रहा है, फिर G2 फेज कंप्लीट किया, यहाँ बीच में लिखा है आपके एनसीईआरटी में G1 फेज G2 फेज, ठीक है, डिवाइड किया, ये हो गया हमारा इंटरफेस, ज्यादा अमाउंट कौन कंटेन कर रहा है, इंटरफेस, उसके बाद हुआ फिर M फेज, एक साइकिल हो गया डिवीजन का, यहाँ पे एक सेल से दो सेल बन गए, यहाँ से एक सेल गया था जो दो सेल बन गए, ये दो सेल में से अगर ये सेल ने डिसाइड किया कि आ संन्यास जिंदाबाद अब नहीं डिवाइड करना, तो ये G1 फेज में जाने की बजाय किधर चला जाएगा, एक फेज है G0 फेज करके, दिख रहा है आपको G0 फेज करके एक सेल, इसी को बोलते क्यूशेंट, तो ये सेल इस स्टेज में चला जाएगा, अब डिवाइड नहीं करेगा, और रिटर्न कब आ रहा है, देखो रिटर्न रिटर्न आ रहा है ना, जरूरत है जब भी तब रिटर्न आ रहा है, ये गोल आपकी एनसीईआरटी में ये गोल एरो क्यों बना है, क्योंकि G0 फेज से रिटर्न आ सकता है, कुछ सेल्स है, कुछ सेल्स है जो G0 फेज से रिटर्न आ सकते हैं, इसके लिए गोल बना है, अगर अगर सिर्फ वो सेल्स होते जो कभी रिटर्न नहीं आ पाते तो ऐसा एरो बना होता, बट गोल्स एरो इसलिए बना है कि रिटर्न भी आ सकते हैं कुछ सेल्स, ठीक है। हाँ, तो हमारा रह गया अभी M फेज का, जो M फेज के स्टेजेस रह गए हैं, तो M फेज जो 5% ड्यूरेशन कवर करता है, ये 5% ड्यूरेशन में ये दो चीजें करता है, ठीक है, हम लोगों को भी सेल डिवाइड करना है तो सबसे पहले फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी चीज होती है साइटोकाइनेसिस, क्या साइटोकाइनेसिस, एक सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, सबसे पहले वो न्यूक्लियस एक से दो बन गए और ऐसे बन गया सेल, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो साइटोप्लाज्म था ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, फिर एक सेल से बन गए दो सेल, समझ में आ रहा है आपको। तो सबसे पहले जब सेल डिवीजन चालू करता है तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है ये भी होता है चार फेजेस में डिवाइड, कितने फेजेस में, चार फेजेस में डिवाइड, आप याद कैसे रखोगे, पी मैट क्या है, ये अपना ट्रिक है, पीमैट मंजे पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज, अनाफेज अना टेलोफेज, ठीक है टेलोफेज, तो ऐसे चार फेज में होता है, पहले तैयारी हो गई फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ फिर साइटोकाइनेसिस हुआ, ऐसे होता है डिवीजन, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी थोड़ा रीड कर लेते हैं और आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे द एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन, एम फेज में पहले क्या होता है न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, यही न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम्स न्यूक्लियर जब डिवाइड होगा तो उसके अंदर क्रोमोसोम भी है, तो क्रोमोसोम भी सेपरेट होंगे उसी टाइम जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा, इसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस,
एंड यूजली एंड्स बाय डिवीजन ऑफ साइटोकाइनेसिस, और केनोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, और साइटोकाइनेसिस हो गया तो एम फेज एंड हो गया, ठीक है। द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज, इंटरफेस को क्या बोलते हैं और रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज है बट सबसे ज्यादा एक्टिव सेल का भी है, सबसे ज्यादा एक्टिव इंटरफेस के टाइम है, ठीक है। तो इंटरफेस के टाइम ही सेल प्रिपेयर करा डिवीजन के लिए, सेल ग्रोथ करके और सेल डीएनए रेप्लिकेशन करके ऑर्डरली मैनर में, ठीक है। ये आपको फर्स्ट पेज पे भी सेम चीज लिखी हुई थी, ठीक है। द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू थ्री फर्दर फेजेस, G1 फेज, गैप वन फेज, ग्रोथ वन फेज, गैप वन फेज दोनों बोलते हैं, एस फेज सिंथेटिक फेज, G2 फेज, गैप टू फेज, ठीक है। G1 फेज एक चीज आपको बताने की रह गई, हाँ, सेल जब कंटिन्यूसली डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले उसने प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन किया, फिर डिवाइड किया, है डिवाइड कौन से फेज में किया, एम फेज में, फिर प्रिपरेशन चालू किया, प्रिपरेशन चालू किससे किया उसने, G1 फेज से, G1 फेज से प्रिपरेशन चालू करके एस फेज में गया। तो जो G1 फेज है वो क्या है, पुराना डिविजन खत्म होके गया और नया डीएनए सिंथेसिस चालू हुआ, उसके बीच का फेज है G1 फेज। क्या है, इट इज नेक्स्ट टू M phase and before synthesis of division, ये लिखा है। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase, the cell is metabolically active. ये चीज़ मैं बोला था, इतना ही दिया, metabolically active and continuously grows, but does not replicate its DNA. G1 phase के बारे में दो ही चीज़ दी है, metabolically active और grows. S phase or synthetic phase marks the period during which DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA doubles, ठीक है? If the initial amount is 2C, then increases to 4C. कौन से phase के time? S phase के time. However, there is no increase in chromosome number. If the cell had diploid or 2N number, G1 के time, तो S के time भी 2N ही रहेगा. G1 में अगर 2N chromosome number था, तो S में भी जाने के बाद भी 2N ही रहेगा, ठीक है। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल, ये चीज बताने की रह गई, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस फेज में होता, एस फेज में। देखो डीएनए को डबल कर रहे हैं, ठीक है, डीएनए को डबल क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हम लोग दो सेल्स के लिए अलग अलग क्रोमोसोम बना पाए, ठीक है, हाँ? हमारा उसके साथ में ही हमारा क्या डुप्लीकेट होता है, सेंट्रियोल, जो क्रोमोसोम को अलग करने वाला जो चीज है वो भी साथ में ही डेवलप होता है, सेंट्रियोल। ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर, G2 फेज के बारे में सिर्फ क्या लिखा है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड फॉर माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, समझ में आया, सेल ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ के बारे में भी दिया है, ग्रोथ दोनों फेज में होता दिया है, प्रोटीन किस में बनते हैं, G2 में बनते हैं, और हमारा मेटाबॉलिक एक्टिव किस में रहता है, G1 में रहता है, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या दिया है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, कुछ सेल्स होते हैं जो कभी डिवीजन करते ही नहीं, जैसे हार्ट सेल्स, एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, कुछ सेल्स कभी कभी डिवाइड करते हैं जब भी पुराने सेल्स को रिप्लेस करना होता है, या फिर कुछ सेल्स इंजरी को से मर जाते हैं तभी, ठीक है। तो ये दोनों भी सेल्स, दोनों टाइप के जो सेल्स होते हैं, ये एक फेज एंटर करते हैं G1 फेज एग्जिट करके, दूसरा इनएक्टिव फेज एंटर करते हैं क्विसेंट स्टेज G0 फेज, ठीक है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। G0 फेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये फेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है, बट सेल्स लीव डिवीजन। अगर वो मेटाबॉलिज्म ही छोड़ देगा, कोई भी सेल का कैरेक्टर, लिविंग सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म अगर वो छोड़ देगा तो लिविंग बचेगा क्या। तो हमारा G0 फेज में जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, अभी भी मेटाबॉलिज्म कर रहा, सारे रिएक्शन कर रहा, सब कुछ कर रहा, बस वो डिवाइड नहीं कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, अगर डिवाइड नहीं करते, पर हाँ उनको बुलाया वापस डिवाइड करने के लिए तो करेंगे, ठीक है। कौन से सेल्स की बात हो रही है, ये वाले सेकंड टाइप की सेल्स की, ठीक है। इन एनिमल्स माइटोटिक, ये सब आपको नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में, ये जो पैराग्राफ है ना
इसका मैं पहले इंट्रो दूंगा, एक तरह से समझाऊंगा, फिर रीड करेंगे, ठीक है? ये पैराग्राफ आप रहने दीजिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते फिर अगले लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए थॉट प्रोसेस के साथ, और एमसीक्यूज भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कॉमेंट। थैंक यू।